हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ाओ फैन ने फॉर्चून टेलर से मून केव के बारे में पूछा था। तो फॉर्चून टेलर ने उसे मून केव के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि मून केव के अंदर असल में क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर जाने की परमिशन सिर्फ पुंग्यून सेक्टे हेड को है। उनके अलावा कोई और मून केव के अंदर नहीं जा सकता है। पर मून केव की एक मिस्टीरियस बात ये है कि पुंग्यून सेक्ट की सबसे पावरफुल फॉर्मेशन मतलब पुंग्यून सेक्ट का ट्रम्प कार्ड सेलेस्टियल सॉर्ड मून केव के पास ही मौजूद है, जबकि उसे तो असल में टोंगटियान पीक पर होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता है, पर हाँ, मून केव की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा कड़ी है। मून केव के आसपास एक इल्यूजन फॉर्मेशन है जिसके अंदर अगर कोई एक बार फंस गया तो कभी भी उस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब आगे ज़ाओ फैन उस केव के अंदर जाने का सोच रहा था। ये देख फॉर्चून टेलर उसे बताता है कि लड़के, तुम्हें उस केव के अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस केव के अंदर जाने के लिए तुम्हें इल्यूजन फॉर्मेशन को पार करना होगा, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद इस ईविल स्टिक की वजह से तुम उस इल्यूजन फॉर्मेशन को पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इल्यूजन फॉर्मेशन आसानी से डेमनिक एनर्जी को पहचान लेती है। और दूसरी चीज़, इस ईविल स्टिक की वजह से तुम्हारी बॉडी लगभग ख़राब हो गई है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का पूरा ब्लड अब पॉइजनस हो चुका है। तुम्हारी बॉडी पर ज़रूर अलग अलग तरह के निशान दिखने लगे होंगे जो इस ईविल स्टिक की डेमनिक एनर्जी की वजह से ही दिख रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मून केव के अंदर जाने की कोशिश मत करो। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए ज़िंदा लौटना लगभग नामुमकिन होगा। अभी के लिए फॉर्चून टेलर ज़ाओ फैन को ये बातें बता ही रहा था, तभी अचानक से चारों तरफ अलग अलग सी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। तीनों चाऊ, फॉर्चून टेलर, वाइल्ड ऑक्टाविस उन आवाज़ों की तरफ देखने लगते हैं। उस दिशा में अभी के लिए क्विंग्यून सेक्ट के डिसाइपल्स थे जो जोर जोर से कह रहे थे, सभी लोग हमारी बात सुनिए, अभी के लिए यांग सिटी सेफ नहीं है। इसलिए क्विंग्यून सेक्ट के ग्रैंड मास्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यांग सिटी के सभी लोगों को नॉर्थन रीजन की तरफ भेज दिया जाए। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जल्दी से नॉर्थन रीजन की तरफ रवाना हो जाइए। क्विंग्यून सेक्ट के डिसाइपल्स की बातें सुनकर फॉर्चून टेलर के चेहरे पर हल्की सी परेशानी दिखने लगती है। उसे लगा था कि हेयंग सिटी में आने के बाद वो लोग सेफ होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब वो इस पर कुछ कर भी नहीं सकता था, उसे सच में नॉर्थन रीजन की तरफ जाना पड़ता। वो इस बारे में चर्चा करने के लिए पीछे देखता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि पीछे ज़ाओ फैन तो मौजूद ही नहीं था, वहाँ पर सिर्फ शाओहू और वाइल्ड ऑक्टाविस थे। फॉर्चून टेलर चौंक कर पूछता है, वो लड़का कहाँ गया? उसकी बात सुनकर शाओहू और वाइल्ड ऑक्टाविस भी पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर ज़ाओ फैन नहीं दिखता है। तीनों समझ जाते हैं कि शायद ज़ाओ फैन मून केव की तरफ जाने के लिए यहाँ से निकल गया है। फॉर्चून टेलर गुस्से में कहता है, ये लड़का कभी किसी की बात नहीं सुनता है। वहीं अभी के लिए फॉर्चून टेलर की बातें सुनकर शाहू के चेहरे पर हल्की सी परेशानी दिखने लगी थी, जैसे कि उसे ज़ाओ फैन की चिंता हो रही हो कि उसके साथ मून केव के अंदर जाने के बाद क्या होगा। सीन बदल जाता है और हमें लगभग 4 से 5 घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए हेयंग सिटी का नॉर्थन गेट खोल दिया गया था, जिस गेट से होते हुए हेयंग सिटी के लोग अभी के लिए नॉर्थन रीजन की तरफ बढ़ रहे थे। क्विंग्यून सेक्ट के सभी डिसाइपल्स उन्हें गाइड कर रहे थे और एक एक करकर सभी को हेयंग सिटी के बाहर निकाल रहे थे। वो लोग नॉर्मल लोगों को समझा भी रहे थे कि बहुत जल्द ये मुसीबत टल जाएगी और जैसे ये मुसीबत टलेगी वो लोग अपने घर दोबारा से लौट पाएंगे। सभी लोग परेशानी के साथ अभी के लिए नॉर्थन रीजन की तरफ बढ़ रहे थे और नॉर्थन रीजन नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अगर वो नॉर्थन रीजन नहीं जाते तो वो लोग मारे जाते। ऐसे में उन्हें मजबूरी में नॉर्थन रीजन जाना ही पड़ रहा था। इन्हीं कॉमन लोगों में अभी के लिए फॉर्चून टेलर, शाओहू और वाइल्ड ऑक्टाविस्ट भी थे। वाइल्ड ऑक्टाविस्ट ईविल सेक्ट से था और उसका चेहरा थोड़ा अजीब भी दिखता था, इसलिए उसने अपने चेहरे को छिपाने के लिए एक काले रंग की टोपी अपने सर पर पहन ली थी, इस वजह से अभी के लिए किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। शाओहू चारों तरफ के नज़ारे को देखते हुए अपने ग्रैंडफादर से पूछती है, आखिर ये सब क्या है ग्रैंडफादर? इस पर फॉर्चून टेलर कहता है, एक दिन ये सब तो होना ही था। इस दुनिया में जो पावरफुल होता है वही सरवाइव कर पाता है।
जो पावरफुल नहीं होता है उसे दूसरे लोगों पर डिपेंड होकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, और जो दूसरों पर डिपेंड रहता है उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहती है, जो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाती है। उसे ज़िंदगी भर इधर से उधर भागना पड़ता है और दूसरे लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। पर ग्रैंडफादर, ये सब कब तक चलेगा? चाऊ अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी परेशानी देख फॉर्चून टेलर उसे समझाते हुए कहता है, पता नहीं ये कब तक चलेगा। अभी के लिए पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद क्विंगन सेक्टी है, पर जहाँ तक मुझे लगता है एविल बीस्ट गॉड के सामने क्विंगन सेक भी नहीं टिक पाएगा। एविल बीस्ट गॉड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में अगर क्विंगन सेक कुछ दिनों तक उनका सामना कर ले यह भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्विंगन सेक से ही उम्मीद लगा सकते हैं। वही अभी के लिए पूरी दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद है। और लड़की, तुम चिंता क्यों करती हो? बुराई कभी अच्छाई के सामने नहीं टिक पाती है। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो ईविल बीस्ट गॉड मारा जाएगा और इस दुनिया में दोबारा से शांति फैल जाएगी। बस हमें उस मोमेंट का इंतज़ार करना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। बस मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि क्विंगन सेक में वो नहीं होना चाहिए। इस पर शाहू पूछती है, क्या नहीं होना चाहिए? तो फॉर्चून टेलर अपने ख्यालों में खोते हुए कहता है, फायर इन वंस बैकयार्ड। ये सुनकर शाहू चौंक कर कहती है, फायर इन वंस बैकयार्ड, आखिर इसका मतलब क्या है? इस पर फॉर्चून टेलर बस हल्की सी मुस्कान देता है और वो चुप हो जाता है। ये देख शाहू समझ जाती है कि अब वो आगे कुछ भी नहीं बताने वाला है, और वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वही हमें इधर शाओवी चाय को दिखाया जाता है, जो सभी लोगों को एक एक कर सिटी से बाहर निकाल रहा था। तभी उसकी नज़र जिंग्यू पर पड़ती है, जो वहाँ पर अभी कुछ पलों पहले ही आया था। जिंग्यू को देखकर शाओवी चाय उसके पास जाता है और उसे देखते हुए कहता है, तो तुम भी यहाँ पर आ गए। उसे देखकर जिंग्यू जल्दी से अपना सिर हिलाता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, जब आप यहाँ पर थे तो मुझे भी यहाँ पर आना ही था। उसकी बात सुनकर चाऊवी चाय अपना सिर हिला देता है। भले ही जिंग्यू को ग्रैंड मास्टर पसंद नहीं थे, लेकिन उसका चाऊवी चाय के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। ऐसे में वो लोग अक्सर बातें किया करते थे। क्विंगन सेक के सभी डिसाइपल्स अभी के लिए बिना रुके सभी लोगों को सिटी से बाहर निकाल रहे थे। सीन बदल जाता है और हमें स्मॉल बैम्बू वैली का सीन दिखाया जाता है। स्मॉल बैम्बू वैली में अभी के लिए एक जगह पर लू खड़ी हुई थी। वो अपने हाथ में मौजूद अपनी स्वॉर्ड को देख रही थी, जैसे कि उस स्वॉर्ड को देखते हुए वो कुछ सोच रही हो। तभी वहाँ पर वैनमिन आ जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, आखिर तुम क्या सोच रही हो? इस पर लू अपनी स्वॉर्ड को घूरते हुए कहती है, मैं ये सोच रही हूँ कि अगले कुछ दिनों में मेरी ये स्वॉर्ड आखिर किसका खून पिएगी। उसकी बात सुनकर वैनमिन उसे समझाते हुए कहती है, लू अभी के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हो। इस पर लू कहती है, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस एविल बीस्ट गॉड से बदला लेना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वैनमिन चौंक कर कहती है, किस चीज़ का बदला? वैनमिन का सवाल सुनकर लू अपनी जगह पर जम जाती है, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए कहती है, एविल बीस्ट गॉड ने इस दुनिया में कयामत लाई है। वो इस दुनिया को तबाह करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ऐसे में मैं उस ईविल बीस्ट गॉड को मारकर इस दुनिया में शांति लाना चाहती हूँ। और ईविल बीस्ट गॉड को मारकर उसने आज तक जितने लोगों को मारा है उन सभी का बदला लेना चाहती हूँ। ये सुनकर वैनमिन कहती है, तुम्हें इस चीज़ का मौका ज़रूर मिलेगा। तभी लू को कुछ याद आता है और वो अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मेरी वजह से टीचर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई हैं, क्या वो मुझे कभी माफ़ करेंगी? इस पर वैनमिन उसे समझाते हुए कहती है, अभी के लिए पूरी दुनिया में एविल बीस्ट गॉड नाम की मुसीबत छाई है। ऐसे में अभी के लिए तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, और टीचर वैसे भी ज़्यादा दिन तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकती हैं, तो ऐसे में आखिर तुम चिंता क्यों कर रही हो? चलो अभी के लिए हमें टोंगटियान पीक पर जाना है, इसलिए हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर लू वैनमिन के साथ वहाँ से एक दिशा में आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुँच जाती हैं। यहाँ पर अभी के लिए मास्टर शियू और मास्टर शियू के कुछ और डिसाइपल्स भी खड़ी थी। लू और वैनमिन जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट करती हैं। वैनमिन कहती है, टीचर मैं लू को लेकर आई हूँ, चलिए अब हम चलते हैं। उसकी बात सुनकर मास्टर शियू पीछे मुड़कर देखती हैं। उनकी नज़र
वैनमिन से होते हुए लू पर जाती है। लू जल्दी से झुक जाती है। वो अभी के लिए अपने टीचर से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो अपने टीचर से कहती है, टीचर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इस पर मास्टर शियू अभी के लिए बस इतना ही कहती हैं, अभी पूरी दुनिया में एविल बीस्ट गॉड नाम का खतरा छाया हुआ है, ऐसे में हमें अब इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। चलो बिना वक्त पर बात करते हुए हम लोग सीधा टोंगटियान पीक की तरफ बढ़ते हैं। तो उनकी बात सुनकर सभी डिसाइपल्स अपना सिर हिलाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग टोंगटियान पीक की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर हमें बिग बैम्बू वैली का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए साइलेंस हॉल के बाहर सॉन्ग और टियान बुई के बाकी सभी डिसाइपल्स खड़े हुए थे। वो लोग आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। बाहर खड़े होकर वो टियान बुई और टियान बुई की वाइफ सुरु के आने का इंतज़ार कर रहे थे। पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी अभी तक कमरे से कोई बाहर नहीं आया था। तभी सिक्स डिसाइपल सॉन्ग से कहता है, ब्रदर सॉन्ग, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आप आखिर चिंता क्यों करते हैं? भले ही आपकी और वैनमिन की शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं, आपको कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। उसकी बात सुनकर सॉन्ग गुस्से में उसे घूरने लगता है। इधर बाकी के डिसाइपल्स ये सब देखकर हंसने लगते हैं। सभी जानते थे कि जब टियान बुई सॉन्ग और वैनमिन की शादी का प्रपोजल लेकर गए थे तब मास्टर शियू ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और उस दिन से ही सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। पहले सॉन्ग बहुत ज़्यादा शांत रहा करता था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उसकी शांति कहीं पर खो गई थी। वह बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान में बदल गया था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता था। अभी के लिए सॉन्ग गुस्से में सिक्स डिसाइपल को देखता है और उसे एक ज़ोरदार किक मारते हुए कहता है, अच्छी लड़की, तुम जाकर ढूंढ लो अपने लिए अच्छी लड़की। उसकी ऐसे हरकत देख बाकी सभी डिसाइपल्स हंसने लगते हैं। इधर साइलेंस हॉल के अंदर सुरु और टियान बुई आमने सामने खड़े हुए थे। वो लोग बाहर से आ रही हंसी टिटोली की आवाज़ों को सुन रहे थे और उन्हें समझ आ रहा था कि उनके डिसाइपल्स अभी के लिए आपस में मजाक मस्ती कर रहे हैं। सुरु टियान बुई से कहती है, चलिए अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर टियान बुई अपना सिर हिलाते हैं, जिसके बाद वो कमरे से बाहर जाने लगते हैं। पर तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं, जिसके बाद वो पीछे मुड़ते हैं और कमरे में एक डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। उस डायरेक्शन में तीन स्टैचू बने हुए थे। टियान बुई जल्दी से उन स्टैचू के पास जाते हैं और तीन अगरबत्तियां निकालकर उन स्टैचूज के सामने जला देते हैं। ये स्टैचू किसके थे ये हम अभी के लिए नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से टियान बुई उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे, ये देखकर समझा जा सकता था कि स्टैचू किसी नॉर्मल इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं थे। उनके सामने अगरबत्तियां लगाकर टियान बुई वहां से जाने लगते हैं। सुरु भी अभी के लिए टियान बुई के पीछे पीछे जा रही थी। वो लोग साइलेंस हॉल से बाहर निकलने ही वाले थे, पर तभी अचानक से टियान बुई दोबारा से अपनी जगह पर रुक जाते हैं, जिसके बाद वो पीछे मुड़ते हैं। टियान बुई की हरकत से सुरु चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टियान बुई दोबारा से क्यों रुके हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी नज़र टियान बुई पर पड़ती है। टियान बुई अभी के लिए उन तीन स्टैचू के सामने खड़े थे, लेकिन तभी टियान बुई उन तीनों स्टैचू के पीछे चले जाते हैं। टियान बुई की ऐसी हरकत देख सुरु सोच में पड़ जाती है, आखिर टियान बुई करना क्या चाहते हैं, और वो भी उस दिशा में आगे बढ़ने लगती है। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।